सो व्हाट्स अप पीपल, हियर एम बैक विद न्यू वीडियो। सो आज का हमारा बेसिक टॉपिक होने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, और वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले मैम आपको एक गुड न्यूज़ बताते हैं कि मैंने 170 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिया आपकी वजह से। और दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाई यूनिक एसेसरीज एंड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और जल्दी जाओ और फ्लैट 10% का डिस्काउंट पाओ। आपको सिर्फ इस पर काफ़ी सारी एसेसरीज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू डेली यूज़, जैसे कि स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह शूज़ मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे इनके पास ब्रांड में शूज़ हैं, प्लस इनके पास वॉचेज़ हैं, प्लस इनके पास मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हैं। आप अपने किसी भी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को, जिसको भी आप गिफ्ट करना चाहें, फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड को, जिसको भी गिफ्ट करना चाहें, तो आप वहाँ से बाय करें और लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो 10% ऑफ अवेल करें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात बताने जा रहा हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा। तो अगर आप ये अपने थ्रू बनवाते हैं, मतलब किसी के लिंक नहीं रखते हैं, विदाउट एनी लिंक बनवाते हैं, तो आपको ये कॉस्ट करेगा 70 to 1800। ठीक है, अगर इफ़ यू अगर आप किसी के थ्रू करते हैं, जैसे कि एक टाइप लॉयर वगैरह के थ्रू बनवाते हैं, तो ये आपको कॉस्ट करेगा मैक्सिमम टू 4500। और ये अकॉर्डिंग टू सिटी कह रहा हूँ मैं, शायद आपके सिटी में, मेरे में 4500 तक बन रहा है, शायद आपके में 5000, 5500 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिटी वाइज, बिकॉज जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो रेट हाई हुआ। तो बात करेंगे लाइसेंस आपको कैसे करना है अप्लाई। सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस की बात करेंगे। लर्निंग लाइसेंस में आपको करना क्या होगा, मैं बेसिकली आपको कोर्ट में, आपके जो नियर बाई कोर्ट होगा उसमें आपको जाना है। वहाँ पर आपको मतलब आपको एक जगह मिलेगी उसके अंदर जाके, और वहाँ पर आपको एक फ़ाइल लेनी होगी जो कॉस्ट करेगी सिर्फ 10 रुपीज़ की। लर्निंग लाइसेंस की फ़ाइल होगी, वहाँ पर आपको जाके कहना है कि लर्निंग लाइसेंस की फ़ाइल दे दो, तो वो आपको 10 रुपये लेंगे चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा। तो उसको आपको फाइल में आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फाइल के बाहर ही लिखा होगा, और फॉर्म फिलअप करके फोटोग्राफ्स वगैरह, फोटोग्राफ्स और आपको अटैच करके वो आपको अंदर देनी होगी। और अगर आप इसके साथ आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, तो उसको आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, फाइल देते सबमिट करते टाइम। सो वो आपको कॉस्ट मेरे ख्याल से अराउंड 350 या 450 अराउंड इतना ही होगा, मेरे को याद नहीं, मेरे को काफ़ी 2 साल हो चुके हैं लाइसेंस बनवाए हुए। सो इतना ही कॉस्ट करेगी, एंड प्लस ये आपका 1 मंथ के लिए वैलिड होगा। 1 मंथ के आफ्टर तब तक आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एल का लोगो लगवाना होगा गाड़ी के आगे और फ्रंट मिरर पे और बैक मिरर पे, ठीक है। और एक आपके साथ जिसका परमानेंट लाइसेंस होगा साथ बैठना चाहिए, वैसे ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, बट हमारे शहर में हम तो चला रहे थे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलाई हुई है। तो सॉरी, इस चीज़ को इसका मिसयूज़ मत करना, मतलब थोड़ा देख लेना, कॉपरेट करना इस बात को लेके, क्योंकि अब ट्रैफिक रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो 1 मंथ के बाद आपको करना क्या होगा, आपको 1 मंथ के बाद आपको वहीं पर जाके दोबारा से उसी जगह पे फाइल लेनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस की, परमानेंट लाइसेंस की, लाइसेंस की जब आपके साथ लर्निंग लाइसेंस आपके पास होगा। परमानेंट लाइसेंस की फ़ाइल को फिलअप करना है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और लर्निंग लाइसेंस भी अटैच करना है, फिर आपको अंदर जाना है। वहाँ पर जाकर आपको मेरे ख्याल से अराउंड 1300 to 1500 पेमेंट करनी होगी, ठीक है। वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस आपके वहाँ जाके एक फ़ोटोग्राफ होगी, एक सिग्नेचर होंगे, बस यही कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और फिर आपको वो या शायद नेक्स्ट डे या फिर 3-4 दिन बाद आपको ट्रायल के लिए भेजेंगे, 3-4 दिन में ट्रायल के लिए भेजेंगे या जैसे भी होगा। तो आपको साथ में बाइक पे जाना है, बाइक लेके जाना है, और एक कार होगी आपके पास, वो कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको। तो बाइक चलाते हुए हेलमेट पा लेना प्लस, और गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट पा लेना, इससे आपका जो लाइसेंस है वो ऐसे नहीं होगा कि आपका कैंसिल हो जाए। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर एक चीज़ को देखते हैं, नोटिस करते हैं। मेरे वक्त में क्या होता, उन्होंने कहा था यू टर्न मार के, चक्कर मार के लाना है, यू टर्न मारना है, और ऐसे गया था और ऐसे करके चक्कर मारना था, और उन्होंने कहा था ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से लेके जाके बस बाहर चले जाना गाड़ी लेके। फिर उन्होंने दोबारा सेकंड में मेरे पे गाड़ी चलवाई, तो वही स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके गया गाड़ी लेके बाहर।
तो सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई थी और हेलमेट पाया हुआ था, तो ये चीज़ भी वो नोटिस करते हैं, और आपका अगर आपने ये चीज़ नहीं पाई होगी तो ये कैंसिल भी लिख देते हैं। तो बेसिक है ये चीज़ का ध्यान रखना, और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप कहोगे कि कैसे कैसे प्रोसेस करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ अकॉर्डिंग में। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे लाइसेंस को अप्लाई करना है। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है यूनिक एक्सेसरीज की तरह से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको जरूर चेक करना। अगर आपको कोई भी चीज़ें, कोई भी क्लोथ्स वगैरह, जो भी क्लोथ्स हो गए, वॉचेस हो गई, शूज़ हो गए, बेल्ट हो गए, पर्सेज हो गए, जो भी आपको चाहिए वो आपको चीप रेट पर मिलेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं, मैंने खुद यूज़ करे हैं। और इसमें इनके पास बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और गूगल पे का ऑप्शन है, तो ज़रूर ट्राई करना भाई, बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से सेटिस्फेक्शन। अब ये फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ www.sarathi.com। तो मैं सबसे पहले फोकस कर लेता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ से आपको सर्च करके दिखाऊंगा। एक सेकेंड, ये कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना भाई, वैसे मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो मैं सर्च करता हूँ www.sarathi.com, ठीक है। सो मैंने ये खोल लिया। इसके बाद आपको ये सेकेंड में ऑप्शन मिल जाएगा, NIC.in वाले पे आपको जाना होगा, ठीक है। ये वाला शायद ओपन नहीं हो रहा, ये परिवहन आपको लिंक मिल जाएगा इसी के अंदर। इस टाइम ये शायद अवेलेबल नहीं है, मैं आपको एक मिनट चेक करके बताता हूँ कौन सा आपको। तो ये आप देख सकते हैं, ये साइट खुल चुकी है मेरी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपना वो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं अपने हरियाणा में कर रहा हूँ, हरियाणा में मैंने कर दिया यहाँ सेलेक्ट। अब ये मेरे पास एक डैशबोर्ड खुल गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, सो मैं अप्लाई ऑनलाइन करूँगा। न्यू लर्नर लाइसेंस, सॉरी, इसमें मेरे पास ये खुल गया। सो आपको मैं आपको बता देता हूँ, न्यू लर्नर लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश कर दिया मैंने, तो ट्राई कर लेते हैं इस पे भी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल गया, न्यू लर्नर लाइसेंस पे जाऊँगा मैं, ये वाला मैंने ऑप्शन पे क्लिक करा, और यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेंट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड सिग्नेचर, एंड और यहाँ पर आपको स्लॉट बुक करना और पेमेंट करनी है बस। ये आपको तीन, ये पांच चीज़ें प्रोसेस करके आपका ये अकाउंट मतलब यहाँ पर बन जाएगा, और आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ ले जाएं, और आपको कोई पेमेंट वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1 मंथ के बाद आपको यहाँ पर, मैं अप्लाई ऑनलाइन दिखा देता हूँ, कैंसिल कर दूँ यहाँ से, ये ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पर आपको सेम यही प्रोसेसिस करनी है, और यहाँ पर आपको DL टेस्ट का स्लॉट बुक करना है। अगर आपके पास, जब आपके पास ये स्लॉट खाली होगा, तो आप उसमें बुक कर सकते हैं, और उस टाइम आपके पास टाइम हो तो आप इसे बुक करके वहाँ पर जाके अपना ट्रायल दे सकते हैं, और आपका विद इन अ मंथ आपका लाइसेंस आपके पास घर पर आ जाएगा। सो बस आज की वीडियो में इतना था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, और यूनिक एसेसरीज को फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।